पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता, इसलिए वही करता है या अन्य करता है ऐसा एकांत नहीं है। क्योंकि जीव कितनी ही पर्यायों से नष्ट होता है और कितनी ही पर्यायों से नष्ट नहीं होता, इसलिए वही भोगता है अथवा अन्य भोगता है ऐसा एकांत नहीं है। जो जीव करता है वही भोगता है। जिसका ये सिद्धांत है वो जीव मिथ्या दृष्टि आरहत मत का न मानने वाला जानना चाहिए। कोई अन्य करता है, कोई अन्य भोगता है, जिसका ऐसा सिद्धांत है वो जीव मिथ्या दृष्टि आरहत मत का न मानने वाला जानना चाहिए। तह जीवो वियकम्मं कुव्वदि नयतम्मो होदि। जह सिप्पियु करणेहिं कुव्वदि नयसोदु तम्मो होदि। तह जीवो करणेहिं कुव्वदि नयतम्मो होदि। जह सिप्पियु करणानि य गिन्हदि नयसोदु तम्मो होदि। तह जीवो करणानि य गिन्हदि नयतम्मो होदि। जह सिप्पियु कम्म फलं भुञ्जति नयसोदु तम्मो होदि। तह जीवो कम्म फलं भुञ्जति नयतम्मो होदि। जैसे स्वर्णकार आदि शिल्पी कुंडल आदि कर्म करता है परंतु वो उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म को करता है किंतु वो उनसे तन्मय नहीं होता। जैसे शिल्पी हथौड़ा आदि उपकरणों से कुंडल आदि बनाता है किंतु वो उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी मन वचन काय रूप करणों के द्वारा ज्ञानावरणादि कर्म करता है किंतु वो उनसे तन्मय नहीं होता। जैसे स्वर्णकार आदि शिल्पी उपकरणों को ग्रहण करता है किंतु वो उनसे तन्मय नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी मन वचन काय रूप करणों को ग्रहण करता है किंतु वो उनसे तन्मय नहीं होता। जैसे स्वर्णकार आदि शिल्पी कुंडलादि कर्मों के फल को भोगता है किंतु वो
उस फल से तन्मय नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी कर्म के सुख दुख रूप फल को भोगता है, किंतु वो उस फल से तन्मय नहीं होता। एवं व्यवहारस्सदुवत्तव्यं दंसनं समासेन सुनु मिच्छयस्स वयनं परिणामकदं तुजं होदि। इस प्रकार तो व्यवहार नय का मत संक्षेप में कहने योग्य है। आगे निश्चय नय का वचन सुनो, जो अपने परिणामों के द्वारा किया हुआ होता है। जह सिप्पियो दुःचेत्थं कुव्वदि हवदि यतः अनन्नोऽसौ तह जीवो व्यकम्मं कुव्वदि हवदि य अनन्नोऽसौ। जह चेत्थं कुव्वन्तो दुःसिप्पियो नित्य दुःखितो होदि तत्तोऽसि या अनन्नो तह चेत्थन्तो दुही जीवो। जैसे स्वर्णकारादि शिल्पी कुंडलादि ऐसे बनाऊंगा, इस प्रकार मन में चेष्टा करता है तथा उस चेष्टा से वो तन्मय हो जाता है। उसी प्रकार जीव भी रागादि भाव कर्म करता है और वो उस भाव कर्म से तन्मय हो जाता है। जैसे स्वर्णकार आदि शिल्पी चेष्टा करता हुआ नित्य दुखी होता है और उस दुख से अनन्य तन्मय होता है, उसी प्रकार जीव हर्ष विषाद रूप चेष्टा करता हुआ दुखी होता है। जह से डिया दुण परस से डिया से डियासाहुदी तह जान गो दुण परस जान गो सोदु। जह से डिया दुण परस से डिया साहोदि तह पस्स गो दुण परस पस्स गो सोदु। जह से डिया दुण परस से डिया साहोदि तह संजदो दुण परस संजदो संजदो सोदु। जह से डिया दुण परस से डिया साहोदि तह दंसनं दुण परस दंसनं दंसनं। जैसे सफेदी खड़िया पर की नहीं है, सफेदी वो तो सफेदी ही है, उसी प्रकार ज्ञायक पर का नहीं है, ज्ञायक वो तो ज्ञायक ही है। जैसे सफेदी खड़िया पर की नहीं है, सफेदी वो तो सफेदी ही है, उसी प्रकार दर्शक पर का नहीं है, दर्शक वो तो दर्शक ही है। जैसे सफेदी खड़िया पर की नहीं है, सफेदी वो तो सफेदी ही है, उसी प्रकार संयत पर का नहीं है, संयत वो तो संयत ही है। जैसे सफेदी खड़िया पर की नहीं है, सफेदी वो तो सफेदी ही है, उसी प्रकार दर्शन पर का नहीं है, दर्शन वो तो दर्शन ही है। एवं तु निच्छयणयस्स भासिदं प्राणदंसन चरित्ते सुनु व्यवहारणयस्य वत्तव्यं से समासेन। इस प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में निश्चय नय का कथन हुआ और अब उसके विषय में संक्षेप में व्यवहार नय का कथन सुनो। जह परदव्यं
नः परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण तः परदव्वं पस्सदि जीवो वि सयेण भावेण जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण तः परदव्वं विजहदि नादावि सयेण भावेण जह परदव्वं सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण तः परदव्वं सद्दहदि सम्मादिट्ठि सहावेण। जैसे सफेदी खड़िया अपने स्वभाव से ही पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता आत्मा भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को जानता है। जैसे सफेदी खड़िया अपने स्वभाव से ही पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार जीव भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को देखता है। जैसे सफेदी खड़िया अपने स्वभाव से ही पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता आत्मा भी अपने स्वभाव से पर द्रव्य को त्यागता है। जैसे सफेदी खड़िया अपने स्वभाव से ही पर द्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से पर द्रव्य का श्रद्धान करता है। एवं व्यवहार सदु विलिच्छो प्राण दंशन चरित्ते भणिदो अन्येषु विपज्जयेषु एमेव नादव्वो। इस प्रकार ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में व्यवहार नय का निर्णय कहा है, अन्य पर्यायों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। दंशनान चरित्तं किंचि वि नत्थिदु अचेदने विषये तं हा किं घादयदे चेदयदा तेषु विषयेषु। दंशनान चरित्तं किंचि वि नत्थिदु अचेदनेकं मे तं हा किं घादयदे चेदयदा तमिकं मम्मि। दंशनान चरित्तं किंचि वि नत्थिदु अचेदनेकाये तं हा किं घादयदे दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन विषय में किंचिन मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा। दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन कर्म में किंचिन मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उस कर्म में क्या घात करेगा। दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन काय में किंचिन मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन कायों में क्या घात करेगा। प्राणस्य दंशनस्य भणिदो घादो तः चरित्तस्य नवितं हि को विपोगल दवे घादो दु निदिट्ठो। ज्ञान दर्शन और चारित्र का घात बताया है, किंतु उस पुद्गल द्रव्य में कोई घात नहीं कहा। जीवस जे गुणा की नत्थिते खलु परेषु द्रव्येषु तं हा सम्मादिट्ठिस नत्थिरागो दु विषयेषु।
जीव के जो कोई गुण हैं वे वास्तव में पर द्रव्यों में नहीं हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि को विषयों में राग नहीं है। रागो दोसो मोहो जीवस्स दुःखे अनन्न परिणामा एतेन कारणेन दुःसद्दादिषु नत्थि रागादि। राग द्वेष मोह वे जीव के अनन्य परिणाम हैं, इसी कारण राग आदि शब्द आदि में नहीं है। अन्नद वियेण अन्नद वियस्स नो कीरदे गुण पादो तम्हादु सव्वदवा उपजन्ते सहावेण। अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों की उत्पत्ति नहीं की जा सकती, इसलिए सब द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। निंदिद संथुद वयनानि पुग्गला परिणमन्ति बहुगाणि ताणि सुनि दूनरु सदि तू सदि यपुणो अहम् भणिदो। पोग्गलदव्वं सद्दत्त परिणदं तस्स जदि गुणो अन्नो तम्हान तुमं भणिदो किंचिवि किं रूससि अबुद्धो। पुद्गल अनेक प्रकार के निंदा और स्तुति के वचनों के रूप में परिणमित होते हैं। उन वचनों को सुनकर मुझको कहा है ये मानकर तू रुष्ट और तुष्ट होता है। पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमित हुआ है, उसका गुण यदि तुझसे अन्य है तो फिर हे अज्ञानी तुझको कुछ भी नहीं कहा है, फिर तू क्यों रुष्ट होता है। असुहो सुहो वसद्दो नतं भणदि सुनसुमंति सोचेव नय एदि विनिग्गहिदुं सोद विषयमागदं सत्तम। अशुभ या शुभ शब्द तुझे नहीं कहता है कि तू मुझको सुन, वो आत्मा भी श्रोत्र इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। असुहम सुहम वरुवं नतं भणदि पेच्छमंति सोचेव नय एदि विनिग्गहिदुं चक्खु विषयमागदं रूवम्। अशुभ या शुभ रूप तुझको ये नहीं कहता कि तू मुझको देख, और आत्मा भी चक्षु इंद्रिय के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। असुहो सुहो वगंधो नतं भणदि जिघ्रमंति सोचेव नय एदि विनिग्गहिदुं घाण विषय मागदं गंधम। अशुभ या शुभ गंध तुझको ये नहीं कहता कि तू मुझे सूंघ, और आत्मा भी घ्राणेन्द्रिय के विषय में आए हुए गंध को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। असुहो सुहो वरसो नतं भणदि रसयमंति सोचेव नय एदि विनिग्गहिदुं रसन विषयमागदं तु रसम्। अशुभ या शुभ रस तुझे ये नहीं कहता कि तू मुझे चख, और आत्मा भी रसना इंद्री के विषय में आए हुए रस को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। असुहो सुहो वफासो नतं
अशुभ या शुभ स्पर्श तुझे ये नहीं कहता कि तू मुझे स्पर्श कर, और आत्मा भी स्पर्शम इंद्रिय के विषय में आए हुए स्पर्श को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। असुहो सुहो वगुणो नतं भणदि बुच्छमंति सोचेव नय एदि विनिग्गहि दुं बुद्धि विषय मागदं तु गुणम्। अशुभ या शुभ गुण तुझे ये नहीं कहता कि तू मुझे जान, और आत्मा भी बुद्धि के विषय में आए हुए गुण को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। असुहम सुहम वदव्वम नतम भणति बुच्छमंति सोचेव नय एति विनिग्गहि दुम बुद्धि विषय मागदं दव्वम्। अशुभ या शुभ द्रव्य तुझे ये नहीं कहता कि तू मुझे जान, और आत्मा भी बुद्धि के विषय में आए हुए द्रव्य को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। एवं तु जानी दूर या उवसमं नेव गच्छदे मूढो निग्गहमना परस्य सयं च बुद्धिं शिवमपत्तो। इस प्रकार शब्द रूप गंध रस स्पर्श परगुण और द्रव्य को जानकर भी मूढ़ जीव उपशम को प्राप्त नहीं होता। वो पर के ग्रहण करने का मन करता है और स्वयं उसे कल्याणकारी बुद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। कम्मं जं पुव्वकयं सुहासुहमणीय विथर विशेषं तत्तोणि अत्तदे अप्पयं तु जोसु पडिक्कमणं। पूर्व में किए हुए अनेक विस्तार वाले जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, उनसे जो जीव अपने को दूर कर लेता है वो जीव ही प्रतिक्रमण है। कम्मं जं सुहम सुहम जं हि या भावं हि बच्छति भविष्यं तत्तोणि अत्तदे जो सोपच खानं हवदि चेदा। और भविष्य काल में जो शुभाशुभ कर्म जिस भाव के होने पर बंधता है, उस भाव से जो आत्मा निवृत्त होता है वो आत्मा प्रत्याख्यान होता है। जम सुहम सुहम दिन्नं संपदि या अनीय विथर विशेषं तं दोसं जोचे ददि सो खलु आलोयनं चेदा। वर्तमान काल में उदय में आए हुए अनेक विस्तार वाले जो कर्म हैं, उस दोष को जो जीव अनुभव करता है वो जीव वास्तव में आलोचना है। निच्चं पच्चखाणं कुव्वति निच्चं पिजो पदिक्कमदि निच्चं आलोचि यदि सोह चरितं हवदि चेदा। जो आत्मा नित्य प्रत्याख्यान करता है, नित्य ही जो प्रतिक्रमण करता है, जो नित्य आलोचना करता है, वो आत्मा निश्चय से चारित्र है। वेदंतो कम्म फलं
अप्पानं जोदु कुणदिकं मफलं सोतं पुनो विबंधदि वियं दुःखस्स अट्ठविहं वेदन्तोकं मफलं मयि कदं जोदु मुणदिकं मफलं सोतं पुनो विबंधदि वियं दुःखस्स अट्ठविहं वेदन्तोकं मफलं सुहिदो दुहिदोय हवदिजोचेदा सोतं पुनो विबंधदि वियं दुःखस्स अट्ठविहं। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा कर्म के फल को निज रूप करता है वो दुख के बीच आठ प्रकार के कर्म को फिर भी बांधता है। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा कर्म का फल मैंने किया ऐसा मानता है वो दुख के बीज आठ प्रकार के कर्म को फिर भी बांधता है। कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो आत्मा सुखी और दुखी होता है वो दुख के बीज आठ प्रकार के कर्म को फिर भी बांधता है। सत्थम नाणम न हवदि जम्हा सत्थम न याणदे किंचि तम्हा अन्नम नाणम अन्नम सत्थम जिना विन्ति। शास्त्र ज्ञान नहीं है क्योंकि शास्त्र कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है शास्त्र अन्य है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। सद्दोणाणं न हवदि जम्हा सद्दोण याणदे किंचि तम्हा अन्नं नाणं अन्नं सद्दं जिना। शब्द ज्ञान नहीं है क्योंकि शब्द कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है शब्द अन्य है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। रूवं नाणं न हवदि जम्हा रूवं न याणदे किंचि तम्हा अन्नं नाणं अन्नं रूवं जिणा। रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है रूप अन्य है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। वन्नोणाणं न हवदि जम्हा वन्नोण याणदे किंचि तम्हा अन्नं नाणं अन्नं वन्नं जिणा। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है वर्ण अन्य है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। गंधोणाणं न हवदि जम्हा गंधोण याणदे किंचि तम्हा अन्नं नाणं अन्नं गंधं जिणा। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है गंध अन्य है ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। नरसो दुहो दिनाणं जम्हा दु रसोण याणदे किंचि तम्हा अन्नं नाणं रसं च अन्नं जिणा। रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस तो कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है
रस अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। था सोनाणम नहवदि जम्हा फासोण यान दे किंचि तम्हा अन्नम नाणम अन्नम फासम जिना विन्ति। स्पर्श ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पर्श कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है, स्पर्श अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। कम्मम नाणम नहवदि जम्हा कम्मम नयाण दे किंचि तम्हा अन्नम नाणम अन्नम कम्मम जिणा विन्ति। कर्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ नहीं जानता, इसलिए ज्ञान अन्य है, कर्म अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। धम्मो नाणम नहवदि जम्हा धम्मो यान दे किंचि तम्हा अन्नम नाणम अन्नम धम्मम जिणा विन्ति। धर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म द्रव्य कुछ नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान अन्य है, धर्म द्रव्य अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। नाणम धम्मोण हवदि जम्हा धम्मोण यान दे किंचि तम्हा अन्नम नाणम अन्नम धम्मम जिणा विन्ति। अधर्म द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि अधर्म द्रव्य कुछ नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान अन्य है, अधर्म द्रव्य अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। कालो नाणम नहवदि जम्हा कालोण यान दे किंचि तम्हा अन्नम नाणम अन्नम कालम जिणा। काल द्रव्य ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य कुछ नहीं जानता है, इसलिए ज्ञान अन्य है, काल द्रव्य अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। आयासम पिनाणम जम्हायासम यान दे किंचि तम्हायासम अन्नम अन्नम नाणम जिणा। आकाश द्रव्य भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य कुछ नहीं जानता है, इसलिए आकाश द्रव्य अन्य है, ज्ञान अन्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। नज्जवसाणम नाणम अज्जवसाणम अचेतनम जम्हा तम्हा अन्नम नाणम अज्जवसाणम अन्नम। अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान अन्य है तथा अध्यवसान अन्य है। जम्हा जानदि निच्चम तम्हा जीवोदु जान गोणानि नानम च जानयादो अवदिरित्तम मुने दव्वम नाणम सम्मादिद्भिदो संजमं सुत्तमंगपुव्वगदं धम्मा धम्मं चतः पव्वज्जं अभुवेत्तिबुहा। क्योंकि जीव सदा जानता है, इसलिए ज्ञायक जीव ज्ञानी है और ज्ञान ज्ञायक से अभिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञानी जन ज्ञान को ही सम्यक दृष्टि संयम अंग पूर्व गत सूत्र और धर्म
और अधर्म तथा दीक्षा मानते हैं। अत्ताजस्स अमुत्तो नहुसो आहारगो हवदियेवं आहारो खलु मुत्तो जम्हासो पुग्गलमोदु नविसक्कदिघेत्तुं जं न विमुत्तुं चेवजं परं दव्वं सोको वियतस्स गुणो पाओग्गिय विससो वावि तम्हादु जो विशुद्धो चेदा सोलेव गिन्हदे किंचि लेव विमुंचदि किंचि वि जीवा जीवान दव्वानम्। इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तिक है वो निश्चय ही आहारक नहीं है। वास्तव में आहार मूर्तिक है क्योंकि आहार पुद्गलमय है। उस आत्मा का वो कोई प्रायोगिक अथवा वैशेषिक गुण है कि वो परद्रव्य को न ग्रहण कर सकता है न छोड़ सकता है। अतः जो विशुद्ध आत्मा है वो जीव अजीव परद्रव्यों में न तो कुछ ग्रहण ही करता है और न कुछ छोड़ता ही है। पासंडीय लिंगाणीय गिहिलिंगाणीय बहुपयाराणि घित्तुं वदन्ति मूढा लिंगमिणं मुखमग्गोत्ति नदुहोदि मुखमग्गो लिंगं जं देहणिं मम हरिहा लिंगं मुत्तु दंसनान चरितानि सेवन्ते। अनेक प्रकार के साधु वेश और गृहस्थ वेश धारण करके अज्ञानी जन ये कहते हैं कि वेश ही मोक्ष का मार्ग है, किंतु द्रव्य लिंग मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि अरहंत देव देह से ममत्वहीन हुए लिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। रवि एस मुख मग्गो पासंडीय गिहिमयाणि लिंगाणि दंसनान चरितानि मुख मग्गम् जिनाविंति तम्हा जहित्तु लिंगे सागारण गारिये वागहिदे दंसननाल चरित्ते अप्पानं जुंज मुख पहि। साधु और गृहस्थ के लिंग ये भी मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष मार्ग हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं। इसलिए गृहस्थ और साधुओं द्वारा ग्रहण किए हुए लिंगों को छोड़कर अपनी आत्मा को दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप मोक्ष मार्ग में लगाओ। मुख पहि अपारं ठवे हि चेदय हि झाहितं चेव तथेव बिहरणिच्चं मा बिहरसु अन्नदव्येसु। हे भव्य, मोक्ष पथ में अपने आत्मा को तू स्थापित कर, उसी का अनुभव कर और उसी का ध्यान कर, वहीं पर सदा विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। पासंडीय लिंगेषु वा गिहिलिंगेषु वा बहुपयारेषु कुव्वन्ति जे मम तं तेहिण नादं समय।
जो लोग बहुत प्रकार के साधु लिंगों में अथवा गृहस्थ लिंगों में ममत्व करते हैं, उन्होंने समय सार को नहीं जाना। व्यवहारियो पुणनाओ दोन्ने वि लिंगानि भणति मोक्ष पहि मिच्छयनाओ दुनिच्छदि मोक्ष पहि सब्वलिंगानि। व्यवहार नय दोनों ही लिंगों को मोक्ष का मार्ग कहता है और निश्चय नय तो समस्त लिंगों को मोक्ष मार्ग में इष्ट नहीं मानता। जो समय पाहुडमिनं पढ़िदोण या अथ तच्चदोणादु अथेठाहिदि चेदा सोहोहिदि उत्तमं सुखं। अंत में आचार्य कुंद उपसंहार करते हुए समय पाहुड ग्रंथ का महात्म्य बतलाते हैं। जो भव्यात्मा इस समय प्राभृत को पढ़कर और इसे अर्थ और तत्व से जानकर अर्थभूत शुद्धात्मा में ठहरेगा वो उत्तम सौख्य स्वरूप हो जाएगा। अकेला ही हूँ मैं कर्म सब आए सिमट के लिया है मैं तेरा शरण अब माता सट के भ्रमावत है मोको कर्म दुख देता जन्म का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का दुखी हुआ भारी भ्रमत फिरता हूँ जगत में सहा जाता नहीं अकल घबरानी भ्रमण में करो क्या मामूरी चलत वश नाही मिटन का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का सुनो माता मोरी अरज करता हूँ दर्द में दुखी जानो मोको डरप कर आयो शरण में कृपा ऐसी कीजे दर्द मिट जावे मरण का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का पिलावे जो मोको सुबुधि कर प्याला अमृत का मिटावे जो मेरा सर्व दुख सारा फिरन का परो पाव तेरे हरो दुख सारा फिकर का करो भक्ति तेरी हरो दुख माता भ्रमण का। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है छहु द्रव्य जानवे को बंध विधि भानवे को स्वपर पिछानवे को परम प्रमाणी है अनुभव बताएवे को जीव के जताएवे को काहुन सताएवे को भव्य उर आनी है जहां तहां तारवे को